हेलो सर, नमस्ते। सर आपका फ्रंट ज्यादा शो नहीं हो रहा है, सर आपके फेस पे लाइट कम आ रही। हाँ सर, परफेक्ट सर। सर एवरीथिंग इज बेटर। सर दिस इज ओके, दिस इज परफेक्ट सर। ओके बेटा, चलो तो मैं हाथ में रखता हूँ। सर नमस्ते सर, सबसे पहले तो नमस्ते बेटा। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ सर? यस सर। तौसीफ, ओके। यस सर, सर हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक्टर्स को अवेयर करते हैं व्हाट अबाउट द एक्टिंग एंड कैसे वो अपना करियर सेटअप करें, और थोड़ा सा लाइक आपसे छोटे छोटे जो ज्ञान होते हैं, छोटे छोटे जो चंक्स हैं आपकी जो लाइफ मूवमेंट्स हैं, उनको हम लोग भी एक सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। मतलब आपको हमेशा टीवी पे देखा है और साथ साथ आज हमारे सामने हैं आप, तो सर हमें बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि हम आपसे वो पूछें, वो छोटे छोटे पल आपसे चुरा लें जो आपने जिए हैं अपनी एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री में। एक आपने इतना बड़ा अहम पहलू दिया, अपना एक पूरा हिस्सा दिया है एक इंडस्ट्री को। सर शुरू लाइक सबसे पहले तो सर मैं पूछना चाहूंगा, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर वाले की कृपा है बेटा, और अच्छा है, लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं। यस सर, यस सर, अच्छे लम्हे मिल रहे हैं लाइफ एंजॉय करने के, बच्चों के साथ मजा आ रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और एनिमल प्लैनेट सही बात है सर, एक्टर्स जो मैं करे पर्सनल जोक है, इससे मेरे लोग जानते हैं ये कमीना मेरी खिंचाई करने से कम नहीं है। नहीं सर, और सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि एज मच एज सर जब एक एक्टर सर होता है, जब एक एक्टर शुरुआत करता है, तो सर उसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होने चाहिए आज की पीढ़ी में? लाइक हम लोग बस थोड़े बहुत डायलॉग बोलने आ गए एंड एक्सप्रेशन देने आ गए, तो वी कैन लाइक हम एक एक्टर बन गए और हम जा रहे हैं इंडस्ट्री में। सर आपके हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए जो लोगों को चीज़ों से अवेयर कर सकें, या एक्टिंग क्या, एक्टिंग आपके मायने में सर एक्टिंग क्या है? ये बेटा दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इतने एक्सपोज हो गए हैं टेलीविजन सिनेमा कि हम लोगों ने माइंड में एक धारणा बना ली है कि लाइन के हिसाब से एक्सप्रेशन देना एक्टिंग। यस, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग जो भी एक्टर बनना चाहते हैं और एक्टिंग करते हैं वो सुपरफिशियली लाइनों के हिसाब से एक्टिंग करते हैं। ओके, वो इमोशन की डेप्थ में, उसकी गहराई में नहीं जाते। एक्चुअल एक्टिंग क्या है? डुप्लीकेटिंग लाइफ, डुप्लीकेटिंग इमोशन। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप बड़े ध्यान से, बड़े प्रॉपरली बात को समझें, उसे महसूस करें और फिर उस पर रिएक्ट करें। बेसिकली एक्टिंग इज रिएक्टिंग। और हम जो FDII में मैंने 8 साल yes, sir, काम yes, sir. किया yes, sir. आगरा में किया और अपना मेरठ में किया, हरियाणा में किया, जहां जहां भी मैंने पढ़ाया बच्चों को, मैंने हमेशा उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि आप अपने अंदर को पहचाने, आप किसी चीज को कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करो। और हम मैंने जो एक्सरसाइजेस बच्चों से करवाई या जो कुछ भी करवाया उससे यही था, बच्चे अपने आप को समझें,
अपने अंदर जो इनविजिबल स्विचेस हैं इमोशन के और बात को समझने के, ऑब्जर्वेशन के, उन सारी बातों को समझे, उनके अवेयर हो, क्योंकि जब आप बात को डायरेक्टली दिल पे लेते हो तो वो दिल से निकलती है और दिलों को छूती है। यस सर, सही। और एक एक्टर के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो पूरी इस पर निर्भर करती है। एक लाइन है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, और उसके लिए आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। सही बात। आप अपने आप पे अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग इमोशंस को जब बार बार करते हैं तो आपको समझ आती है कि कैसे फला सिचुएशन के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि इजी वे आउट क्या है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो लाइन उनकी समझ में आती है उसके हिसाब से एक्सप्रेशन दे देते हैं। यस सर, यस सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। और हम लोग जैसे बहुत सारे लोगों को जब किसी भी लुक टेस्ट के लिए बुलाते हैं या कोई किसी भी एक बाइनरी हम लोगों ने उन लोगों को स्क्रिप्ट दी तो एज अ ड्रामेटिक वे में परफॉर्म करते हैं। सर ये आप सर इसके लिए क्या कहेंगे कि ट्रेनिंग की कमी है या आजकल लोग ऐसे ही हैं कि बस हाँ लाइक एक एक्टिंग को वो लोग ऐसा समझते हैं जब कोई काम नहीं है तो बस चलो एक्टिंग ही हीरो ही बन जाते हैं। ये तो एक बात बहुत सही है कि लोग एक्टिंग को बहुत आसान समझते हैं। सर वही चीज, लेकिन इतनी आसान है नहीं सर। मैं प्रॉब्लम वही है, वही मैं सर आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि जब सर हम लोग की लाइन को, इतनी स्पीशियस लाइन है सर, इतने सारे लोग, इतने सारे किरदार आप लोग जीते हैं सर, और इतनी सारे इमोशंस के साथ हम लोग प्ले करते हैं, उसके बाद ये सुनने को मिलता है लाइक कि एक्टिंग में क्या है, जब किसी के पास कोई काम नहीं है वो एक्टर बन जाता है। सर मतलब इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों से, किस तरीके से आप इन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि हाँ ये क्या है, इनका क्या आंसर होना चाहिए इन लोगों के लिए? बेटा मैं इन लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक्टिंग आसान नहीं है। एक्टिंग एक तपस्या है, एक मेहनत है, एक बहुत कठिन काम है। वो इसलिए कि मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा जो लाइनों पे एक्सप्रेशन जो उन्होंने 50 बार टीवी पे देखे हुए हैं या फिल्मों में देखे हुए हैं वो करके वो समझते हैं कि एक्टिंग हो गई। एक्टिंग अपने आप को समझने वाली जो बात मैंने कही उसका ये मतलब है कि आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल में लाना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को संभालना है, आपने अपनी इमेजिनेशन को ऐसी परवाज देनी है, ऐसी उड़ान देनी है कि आप हर काम जब करें तो वो अलग दिखे और जेन्युइन दिखे। यस सर, लेकिन यस सर, उस चीज को मेहनत के सिवा आप हासिल नहीं कर सकते। सही बात है सर। उसे हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बात को समझना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, एक साफ सुथरा इंसान बनना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली मुझे क्या लगता है, सॉरी बीच बीच में मैं आपके कमेंट पे स्टॉप नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा वो फ्लो लगा हुआ है। नहीं 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 सर, बिल्कुल, थैंक यू सर इस चीज के लिए। सर मैं तो बिल्कुल आभारी हूँ आपका। कहने का मतलब ये है बेटा कि आप जब इमोशंस के साथ खेलते हैं तो इमोशन बहुत प्योर चीज है। यस सर, भगवान की प्योरेस्ट चीज इंसान को या इस कायनात को मिली है वो है इमोशन। यस सर, यस, वो भेड़ बकरियों में, जानवरों में, हर चीज में वो है और उसकी सच्चाई छिपे नहीं छिपती। यस सर, बिल्कुल सर। हमने एनिमल प्लेनेट में एक मैंने देखा था, फिर हंसेगा ये कमीना। हमने देखा था कि कैसे एक हाथी का बच्चा शेरों के बीच अटक जाता और कैसे बाकी के हाथी उसे बचाते हैं, इस तरह के कई इंसिडेंट है। तो इमोशन प्योर है, पूरी कायनात में इमोशन प्योर है, तो उस प्योरिटी को, उस सफाई, उस खुदाई की तरह समझना आसान काम नहीं है। सही बात, क्योंकि जब तक आप अपने आप को,
There are many stories, sir. The fox story, snake and mouse story. So I know these stories. तो लोगों को पता है वही. कहने का मतलब ये है कि इमोशन हर एक में है और इमोशन आप तब प्योरली दे सकते हैं जब आपके पास प्योरली है. अगर आप प्योर इंसान है, आप एक अच्छे नेक इंसान है और इमोशन को एडल्ट्रेट नहीं होने दे, यस सर, उसमें गंदगी नहीं आने दे, दे तो उस वजह से ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है और इसे करने के लिए वाकई तपस्या की जरूरत है, एक कमिटमेंट की जरूरत है. यस सर, बिल्कुल सर, बेशक सर. लाइक आपने एक सर मूवी करी है सत्ते पे सत्ता. जी सर, वो एकदम इतनी ज्यादा लाइक मैं बहुत छोटा था तब वो मूवी देख रहा था तो सर तब तो कोई ऐसा इमोशन, लेकिन सर इतना ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आप लोगों में आ रहे थे. मतलब उस मूवी में एक पहलू में आप लोग बड़े ही केयरलेस एंड ऑल, कैसे कैसे सर उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को उस टाइम पे सर फेस करना, उस फील को एंजॉय करना, सर वो कैसा मोमेंट रहा होगा सर, वो थोड़ा सा शेयर. बेटा वही बात है, सुर लगने वाली बात है. हाँ, लॉ लगने वाली बात है. जब आप भगवान की तपस्या में बैठते हैं तो एक सुर लगता है, एक लॉ लगती है, तो फिर आसपास क्या हो रहा है वो पता नहीं लगता. एक कॉन्सेंट्रेशन, एक सुर लगना, यही चीजें हैं जो हमें शायद आज मुझे 51 इयर्स हो गए हैं तो शायद इसीलिए जिंदा रख रहा है. नहीं, कि वो नहीं, सर, बेशक सर, वो कमिटमेंट वो है. तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप ठान लेते हैं, एक दीवानापन अगर आप में है तो कोई मुश्किल नहीं. इसके लिए मैं एक अपनी दीवानगी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल बेशक सर. कि जिंदगी की ये देन है जिसे मिली मिली, जिंदगी की ये देन है जिसे मिली मिली, होश तुम्हें मिले दीवानगी मुझे मिली. अरे सर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या क्या बात. तो ये वही दीवानगी की बात है बेटा. हमने सत्ते पे सत्ता की बड़ा एंजॉय किया. सर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है सर मेरी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सर. इतने स्केल्स है उसमें अगर सीखने को देखा जाए, इतने स्केल्स पे एक्टिंग करी आप लोग. शुरू में एकदम ही लाइक एकदम केयरलेस, हर चीज़ एकदम से पहलू बदल जाते हैं, सिंसियर हो जाना हर एक चीज़ में. उस कैरेक्टर में इतने वेरिएशंस थे सर, ज़रूर सर उस मतलब एक कहते हैं ना सर, मोटिवेट करते हैं हर किसी को देख के. और सर उस टाइम पे जब वो मूवी देखी थी कोई सेंस नहीं था, बट एक लगता था यार ये क्या लाइफ जी रहे हैं लोग, मतलब कैसे हैं क्या है. फिर अचानक से देखा अरे कोई बंदा आ जाता है, इन लोग को स्ट्रिक्ट. तो उस टाइम पे ये रहता था कि हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन क्या होता है. सो लाइक इतने वेरिएशन सर कैरेक्टर के साथ देना लाइक एक अपने आप में ही बहुत उम्दा बात है सर. और सबसे बड़ी चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा सर, ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें चैलेंज आपको लगा हो किसी कैरेक्टर के साथ, आपका अपोजिट कोई ऐसा कैरेक्टर आप चैलेंजिंग लगाओ जिसमें कि हाँ नहीं अब. बेटा मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा रही कि मैंने हर कैरेक्टर को चैलेंज में लिया. अरे सर क्या बात है सर, क्या बात. इसीलिए शायद मैंने आज 350 से ज्यादा फिल्में की हैं, 70-80 सीरियल कर लिए हैं. लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि आप बोरिंग थे. अरे नहीं, अरे सर कोई ये कह भी नहीं सकता कि आप बोरिंग थे. वो एक कमिटमेंट वाली बात है ना बेटा. तो मैंने हर कैरेक्टर को एक चैलेंज की तरह लिया और प्लस वो दीवानगी वाली बात, मुझे मजा आया करने में, मजा आया, मैंने उसे एंजॉय करके किया. तो वो एंजॉयमेंट मेरी ऑडियंस ने, देखने वालों ने महसूस की. यस सर बिल्कुल सर. सर जो ये एक था कुछ रंग, वो सरस्वती चंद में भी आप दादाजी का कैरेक्टर निभाया था, उसके साथ सर वो कुछ मीठा प्यार का दर्द है मीठा बेटा, उसमें भी दादाजी का कैरेक्टर था. तो बट वो दोनों ऐसा कि वो सेम हाँ हाँ तो वही था. तो सर वो दोनों समझ में नहीं आ रही थी कि दैट इज फ्रॉम द सेम पर्सन. वो जो परोसा गया थाल में वो सेम पर्सन नहीं, वो अलग ही डिश है, भले ही कैरेक्टर दादाजी का. तो दैट इज समथिंग किस्मत लकीरों की है.
लकीर किस्मत की मैंने किस्मत बनाया था। हाँ, हाँ, तो एक बोला है राजश्री का था स्वाभिमान, स्वाभिमान हाँ, उसमें बड़ा अलग था। फिर उसके बाद राजश्री का ही एक और किया था पिया अलबेला, उसमें बड़ा अलग था। तो ये ऑल थ्रू एक चॉइस, दिली चॉइस जो मुझे मिली इसमें काम करने की, जो सेटिस्फेक्शन मिली, ये सब उसका है। और यही मजा ले लेके मैं करता हूँ। तो आज तक मेरा धंधा, मेरा प्रोफेशन मेरे लिए बोरिंग नहीं हुआ, बल्कि चैलेंजिंग है। सो बात वही है कि आप कितना प्यार करते हैं उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। और सर, क्योंकि आप में वो उड़ान रहती है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मुझे और डिफरेंट क्या करना है, मेरे कैरेक्टर में और क्या रंग भरूं। ये सब रंग भरना होता बेटा, ये पेंटिंग्स हैं जो हम सेलुलॉइड पे दिखाते हैं, जो मूविंग है, चलती फिरती पेंटिंग्स हैं। यस सर। कि इसकी मूंछ ऐसी होगी, इसका इंटरनल क्या फील होगा, ये रिएक्ट कैसे करेगा, ये हंसेगा कैसे, रोएगा कैसे, और बाहर से क्या लगेगा। तो इंटरनल प्रेपरेशन और एक्सटर्नल प्रेपरेशन, ये भी एक चैलेंज सर। आजकल एक मिथ बना हुआ है सर, जस्ट लाइक 30 मिनट्स अगर आपने देखा होगा, यू मस्ट गो एंड सी दैट फिल्म। तो उसमें यू हैव सीन हिम फॉर अ सिंगल परसेप्शन कि ये बहुत ही अच्छे किरदार निभा रहे, बट गोइंग टू द नेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ सीइंग पेंटर्स इन गोइंग विद 30 मिनट्स एक नेगेटिव कैरेक्टर, वो भी बहुत ज्यादा समय आते मतलब ओके, तो आपको कभी समझ में नहीं लगेगा कि ही इज नॉट सेम कैरेक्टर जो कि अभी तक इन द सिंगल जॉनर जा रहे थे। तो दैट आर समथिंग दैट मतलब तो वही है द मोस्ट लाइक वेरिएट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब आप इतने ज्यादा वेरिएशंस घुमा उतार चढ़ाओ लाइक। अगर सर सबसे बड़ी चीज़ है ना सर, एज एन एक एक्टर होते हुए लोगों के अंदर ये सर मिथ भी बना हुआ है, व्हाट इज अ मेथड एक्टिंग सर। बहुत सारे लोग के अंदर मिथ बना हुआ है, लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं, ये है वो है, मेथड ये होता है ये होता है सर, बट सर एक्चुअल व्हाट इज अ मेथड एक्टिंग सर, आई वॉन्ट टू नो। बेटा मेथड एक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं पहले रेफरेंस दे चुका हूँ। मेथड एक्टिंग का जो बेस है वो है नो दाई सेल्फ, जैसे मैंने आपको यस सर यस सर, आप अपने आप को पहचाने। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आप यू आर द इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर द प्लेयर। यस सर बिल्कुल सर। होता क्या है कि मुझे तबला दिया तो तबला बाहर की चीज है जिसे मैं बजाता हूं। यस सर। सारंगी कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो दूसरी चीज है, मैं उसे बजाता हूं, लेकिन एक्टर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो खुद हिमसेल्फ है। यस सर बिल्कुल सर। और उसे बजाता है, उसे बजाता है खुद कि इस वक्त क्या एक्सप्रेशन आए बात के साथ, वो खुद उसको हैंडल करता है। यस सर। तो जब ऐसी बात होती है तो आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ता है, उसे क्लीन रखना पड़ता है, उससे खेलना पड़ता है, उसका सुर समझना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस हम एक क्लासरूम में करते हैं जिसे हम लेबोरेटरी बोलते हैं। यस सर। और लेबोरेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके अपने को समझते हैं। यस सर। अपने इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। तो वो जो लेबोरेटरी के अंदर हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, इमेजिनेशन की और ऑब्जर्वेशन की, वो सारी एक्सरसाइजेस आपको अपने आप को समझने में फायदा देती है। टेक्निकली समझ में आती है बात, इमोशनली समझ में आती है, इंटरनली समझ में आती है, एक्सटर्नली समझ में आती है। यस सर बेशक सर। तो इसलिए वो जो मेथड हमने बनाया है बेसिकली उसको मैं अपने हिसाब से मेथड एक्टिंग बोलता हूँ। यस सर। A method to understand how to feel and how to perform. Yes sir, बेशक सर। और इसका जो original जिस बंदे ने इसको शुरू किया था वो Stanislavski हैं, Russian actor थे, director थे, उन्होंने ये process शुरू किया था। लेकिन मैंने उस process की training लेने के बाद मैंने उसका थोड़ा रूप अपने हिसाब से बदला, क्योंकि मैं
एक ऐसा टीचर था और हूं जो साथ साथ काम भी करता गया और साथ साथ पढ़ाता भी गया। तो हुआ ये कि जो मैं गलतियां या अच्छाइयां या सीख एक्टिंग में ड्यूरिंग प्रैक्टिकली सीखता था वो मैं क्लास में कैसे उनका फायदा लेना है वो इंक्लूड कर लेता। यस सर बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक साल दो साल पांच साल एक्टिंग करके आप बैठ गए और टीचिंग कर दी तो जो एवरी डे एक ग्रोथ है उसकी जो समझ है वो बड़ी मुश्किल मिलती है। यस सर, तो मेरा शुरू से 50 साल से यही है कि काम भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। बेशक सर बेशक, मतलब एक एक तरीके से अगर मेथड एक्टिंग को हम लोग बोले हैं तो किसी भी चीज़ को बहुत प्रॉपरली फील करना किसी कैरेक्टर को, और बहुत ही अच्छी समझ उसका आउटर और इनर होना चाहिए, है ना सर? आउटर और इनर के बिना तो कैरेक्टर बन ही नहीं सकता ना, है ना सर? इट्स अ कैरेक्टराइजेशन कि एक कैरेक्टर को हम कैसे समझते हैं। और छोटा सा एक सर आपका एक मूवमेंट है, शायद बावर्ची मूवी के लिए आपको सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, है ना सर? वो धत वाला तो सर वो बहुत एप्रिशिएट हुआ था, बहुत एप्रिशिएट हुआ था कैरेक्टर। यस सर, लोगों को बहुत पसंद आया था। तो सर लाइक उस टाइम पे क्या फीलिंग आई कि अचीवनेस एंड एक होता ना सबके ड्रीम्स होते हैं एंड ऑल, लाइक इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग। आई एंजॉयड, नहीं कैजुअल नहीं है, या सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन क्या है, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अब हुआ कि अब और क्या। यस सर ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। यस सर बिल्कुल सर, सबसे पहला क्योंकि हर अच्छे कैरेक्टर के वक्त दो चीजें होती है, या तो उसे आप अंत समझ लेते हैं कि वाह हो गया सर बहुत सारे, और या उसे चैलेंज लेके आरंभ समझते हैं कि यार नाउ इससे अलग क्या करूं और बेटर क्या करूं। यस सर बिल्कुल सर। एंड सर एज मच एज लाइक जैसे सर आपने बोला ना इमेजिनेशन, सर इमेजिनेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइक कि एक कैरेक्टर को सोचने के लिए, एक कैरेक्टर को धारणा देने के लिए इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट सर बहुत सारे एक्टर तो ये बोलते हैं कि इमेजिनेशन की कोई एक पहुंच नहीं है, हम तो किसी भी कैरेक्टर को कैसा भी सोच सकते हैं सर, तो इसके बारे में बोलो सर, इसके बारे में आप लाइक एक्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे अगर उनको कोई मोनोलॉग्स मिलते हैं, उनको एक मोनोलॉग मिलता है बट वो एक इमेजिनरी उन लोग का सेंस जाता है कि सर हर किसी का प्रसिप्शन अलग होता है कैरेक्टर के लिए, बट सर एक एक्चुअल में जो इमेजिनेशन अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को करते हैं सर, उससे कैसे हम बॉन्डिंग स्टेबलाइज करें कि उस कैरेक्टर को हम लाइक इनर से एकदम आउटर में लोगों को दिखा पाएं, नो दिस इज आई एम ये कैरेक्टर। ये प्रॉब्लम पता क्या है बेटा कि लोग इमेजिनेशन इतनी रखते नहीं। Yes, sir. वो समझते हैं कि बहुत इमेजिनेटिव हैं, होते नहीं। रीजन ये है कि इमेजिनेशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। ओके सर ओके। आज अगर मैं आपको ये कहूं हवाई जहाज, तो क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है प्लेन एरोप्लेन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या होता है। अगर मैं कहूं भिखारी, तो आपने देखा हुआ है भिखारी, इसलिए आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भिखारी क्या होता है। अब इसमें नया रंग क्या दूं मैं? यस सर। अगर मैं आपको बोलूं मार्स, तो भी शायद आप इमेजिन कर लें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं टेलीविजन पे मार्स की फुटेज देखी होगी, ये देखा हो वो देखा हो। यस सर। सो बेसिकली बेटा योर इमेजिनेशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। ओके। और लोग इतना ऑब्जर्व करते नहीं। आज अगर मैं किसी अच्छे एक्टर से पूछूं कि क्या बेटा तू जब खाना खाने बैठा था, माँ के हाथ की सब्जी खाई, तो जो पहला कौर तूने मुंह में डाला, तो डिड यू ऑब्जर्व कि उसका मजा क्या था? यस सर बिल्कुल सर। नहीं, लोग क्योंकि खाते हैं मैकेनिकली,
और यही सीन अगर मैं कैमरे के सामने एक्टर को दे दूं कि बेटा आज आप 10 साल के बाद लंदन से आए और माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं और मुझे वो आत्मा दिखनी चाहिए माँ के हाथ के मजे की, तो वो दे डोंट रियलाइज व्हाट दे डू, जो एड में या कहीं देखते ना, हाँ, कमाल है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझ गया सर। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन को अहमियत नहीं देते, उस उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि हमारे हर लम्हे की एक इंपॉर्टेंस है इन ऑब्जर्वेशन। गर्मी में ठंडा पानी पड़ता है तो क्या इफेक्ट होता है, और सर्दी में ठंडा पानी पड़ता है तो क्या इफेक्ट होता है, yes, sir, yes, ये हम ऑब्जर्व नहीं करते। या इट इज द सेम वन ऑफ द क्लासेस व्हाट वी हैव अटेंडेड सर, जो हमने गरम तवे पे अगर आप अचानक बैठोगे तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम टू रिएक्ट, तो ये वहीं से आता है कि पता नहीं चलता है। हाँ, तो आई नो दैट इज वही प्रॉब्लम है कि क्योंकि हमने किसी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं किया, इसलिए हम उसकी सही टाइमिंग ही नहीं समझते। Exactly. और ये मेथड एक्टिंग है कि आप सब चीजों के थ्रू जाएं और समझें। तो ऑब्जर्वेशन इज द मदर ऑफ इमेजिनेशन। ओके, मतलब इसलिए बच्चों को यही एडवाइस है बेटा कि आप ऑब्जर्व करो, लाइफ के हर लम्हे को ऑब्जर्व करो। आपने कब पहली बार बारिश जब मिट्टी पे पहली बार पड़ी तो खुशबू का क्या मजा आया? अरे बिल्कुल सर, सही बात है। गरम पकौड़ा खाया तो क्या हाल हुआ? सर पहला सिप ऑफ योर ड्रिंक लिया तो क्या मजा आया? क्या ऑब्जर्व क्या किया? यू नो वो नहीं करते। तो ये सारा खेल बेसिकली ऑब्जर्वेशन का है। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतनी आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी और उतना आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके रिएक्शन जेन्युइन होंगे और दूसरे इमेजिनेटिव होंगे। ओके, तो मतलब सर हम ये सीधी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी एक्टर को अगर सिंपल वे में अगर बोला जाए, अगर उसको अपने इमेजिनेशन, अपने कैरेक्टर को अगर समझना है तो जो भी लाइफ में उसके चल रहा है, जो भी आस पास का एक एटमॉस्फियर होता है, मतलब 24 आवर, 36-5 डेज जो भी एक एटमॉस्फियर रहता है, उसमें उसका ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अटेंडिवली अपनी नॉलेज को गेन करते रहना चाहिए उसको इसी चीज़ के साथ। बिल्कुल, एज एन एक्टर बिल्कुल। इसीलिए आपका अपने कैरेक्टर को अलग अलग दिशा देने का जो दायरा है वो बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन से बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से इमेजिनेशन बढ़ती है और इमेजिनेशन से आपकी पेंटिंग में उतने ही ज्यादा रंग आएंगे आपके कैरेक्टर के, जो तो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे। बिल्कुल सर, बेशक सर। और सर लाइक पहले जब आप लोगों के टाइम में, जब उस टाइम पे आप लोगों ने शुरुआत करी थी, लाइक बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी, है ना सर? लाइक जैसे आज वैनिटी वैन है, तो हमें, आई थिंक मैंने सुना है, ये किसी एक मैम का इंटरव्यू देख रहा था, रेखा मैम का शायद मैंने इंटरव्यू देखा, तो वो उस टाइम पे वैनिटी एंड ऑल की बड़ी कोई बहुत ज़्यादा मारामारी एंड प्रॉब्लम्स होती थी, या शायद होती भी नहीं थी वैनिटी सर उस टाइम पे सर। लाइक जब आप लोग कोई कैरेक्टर को करते थे, जैसे आजकल तो क्या है, जैसे ही शॉट खत्म हुआ एक्टर जो है वैनिटी वैन में चले गए एंड देन स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है एंड ऑल। सर उस टाइम पे जैसे कहीं आउटडोर आप लोग शूट करते थे सर, तो क्या सर एकदम पब्लिक, तो सर मैंने पहले की मूवीज़ में इतनी पब्लिक देखी है, आपके लोगों के अगल बगल एक सर्कल बना रहता था, पब्लिक के बीच में खड़े होकर एकदम एक्टिंग करना, देन सर कैसे लाइक कितनी स्ट्रांग आप लोग की एक स्ट्रेंथ रही होगी, आपकी कितनी लाइक थिंक स्ट्रांग होगी सर? मैं सर थोड़ा सा बेटा इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है। यस सर बिल्कुल सर, बेस का तीसरा पॉइंट आता है कि इतनी भीड़, इतना सब कुछ होने के बावजूद वैनिटी वैन्स नहीं, एसीज नहीं, यस सर, ये कई बार पंखे भी नहीं, तो आप कैसे कर पाते थे? उसका जवाब एक ही है बेटा, जो तीसरी चीज मैंने कही वो है कॉन्सेंट्रेशन। जब हम अपना काम करते थे
तो हमारा दिलो दिमाग आत्मा सब उस काम में होती थी, और जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो ना ऑडियंस का पता लगता है, ना गर्मी का पता लगता है, ना ऑपोजिट कौन क्या कर रहा है पता लगता है, कुछ नहीं। आप अपने कैरेक्टर की दुनिया बना के उसमें खो जाते हैं तो इन चीजों का एहसास ही नहीं होता। मैंने और रेखा जी ने एक साथ एक ही साल में काम शुरू किया था। Okay, तो हमारे जमाने में टेलीफोन भी बड़ी मुश्किल से होता। हाँ सर, वही सर, आज उस टाइम पे इतनी लाइक आजकल क्या हुआ सर, किसी को भी एक्टर बनना है उसने ईमेल ले लिया कास्टिंग डायरेक्टर का, देन सारी सुविधाएं हैं आजकल। उस टाइम पे सर आप किस जमाने में सर, लाइक उस जमाने में आपने कितने लेवल पे स्टार्ट किया होगा, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या स्ट्रगल किए होंगे सर, वो तो लाइक एक सर आपके एक कॉर्नर में होगा, हार्ड कॉर्नर में कैसे क्या हुआ होगा। बहुत ज्यादा है। अब सर सीन मुंबई बनते हुए, व्हाट ही यूज्ड टू टेल अस कि उन्होंने तो बॉम्बे बनते हुए देखा, उन्होंने उस जमाने से बॉम्बे को देखा जब बॉम्बे में आई थिंक सर आई एम नॉट रॉन्ग कि आप 1969 में मेरा मेजर ब्रेक आया था, तो 69 पकड़ो तो 51 इयर्स कंप्लीट हो गए अप्रैल में। ओके सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोग के लिए। 51 इयर्स एंड स्टिल रनिंग ऑन द सेम विद द सेम एनर्जी एंड एवरीथिंग, तो वो है बिकॉज़ व्हाट आई सी कि इतना लंबा इनिंग खींचना, मतलब बच्चन जी, यू, रेखा जी, ऋषि सर, मतलब कि दे आर फ्रॉम द सेम पर्सन। मतलब ऋषि सर हैज केम ऑन द सेकंड फिल्म एज वी हैड स्पोकन सम डेज बिफोर, तो सेकंड फिल्म से वो थे आपके साथ, एंड उसके बाद आज इरफान सर आए, देन संजय मिश्रा जी, तो दीज आर द प्रॉपर एक्टर्स जिनको आप कह सकते हो, दीज आर एक्टर्स हु क्रिएट देयर ओन इनिंग्स इन द फिल्म। मतलब कि एक, क्योंकि पहले तो लोग सिर्फ स्टार्स को देखा करते थे, बट गोइंग विद द एक्टर्स एंड द स्टार्स, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि यही जो आग है, ये जो लगन है ना बेटा, ये चलती रहेगी, और जब तक विभांशु 51 ईयर का होगा ना तब तक भी काम करेंगे। अरे सर बेशक सर, बेशक सर, सही बात है सर। एक एक्टर के अंदर शायद सर भूख कभी खत्म नहीं होती, उसका होनी भी नहीं चाहिए, वो खत्म शुरू। सही बात है सर, वो तो खत्म नहीं होनी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, इतने मतलब इतनी देर से हम कन्वर्सेशन सर, आपने बोला सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हमें, आपको पहला अवार्ड मिला सेटिस्फाइड नहीं, और क्या हो सकता है सर, अभी भी लगता होगा सर और क्या हो सकता है, और हम क्या अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे अभी भी बड़ा काम आता है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। yes, और sir, बिल्कुल यही होता है कि now what, और क्या करें, अलग क्या एक्सपेरिमेंट करें, बिल्कुल बेशक, अलग क्या चीज करें, हर तो मजा तो वही है ना, जिंदा तो वही रखता है भाई। सुबह आपने दाल सब्जी खाई, शाम को दाल सब्जी खाई, अगले दिन फिर दाल सब्जी खाई, तो मजा क्या आया लाइफ का। सही बात है सर, तो वेरिएशन इज लाइफ, और वेरिएशन में मजा जो आता है That is divine. वो हो, सही बात है सर। अगर variations ना हो, अगर एक भूख ना हो, तो I think मेरे हिसाब से वो इंसान लाइक एक अंदर ही इंटरनली ख़त्म ही हो चुका है, जिसके अंदर अपने आप को चैलेंज करने की क्षमता ना हो, जो नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट ना करता हो, इट्स लाइक हाँ सर ये ज़रूरी है। और सर मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे सर, कि सर क्या अपडेशन आए हैं सर, जैसे एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है वो निरंतर अपडेट होता जाता है सर, जैसे आपके सामने पूरी इंडस्ट्री ऐसी थी और ऐसे हो गई, बिल्कुल एक अलग ही रेवोल्यूशन आ रहा है सर इंडस्ट्री में, तो सर आपके हिसाब से किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया है, जिसकी वजह से लाइक आज बड़ा सब कुछ आसान हो जाता है, चीज़ें बड़ी वेरिएट हो जा रही हैं, लोग बड़े आसानी से काम कर सक पा रहे हैं। देखो ये सब टेक्निकल चेंजेस हैं,
टेक्निक चेंज होती जा रही है, बदल रही है। शिवांशु सर आपका कुछ? मेरा कुछ नहीं, नहीं शिवांशु शिवांशु। हाँ, तो बेसिकली ये टेक्निकल चेंजेस हैं जो वक्त के साथ होते रहते हैं। हाँ, मैंने ये सारे चेंजेस होते देखे नहीं सर। लेकिन क्या इंसान का बीमार होना, इंसान का मरना, इंसान की खुशियां, इंसान के दुख वो बदले? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। वो वही है बिल्कुल। आदमी आज भी मर रहा है, कल भी मर रहा था, आज भी शादी हो रही है, कल भी हो रही थी। एवरी इमोशन पॉइंट इज द सेम। यस सर बिल्कुल सर। तो हम तो एक्टर है, हमारा काम तो इमोशन को समझना है ना। बिल्कुल सर, हम तो इमोशन को समझ के उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी टेक्निकली आप मुझे खूबसूरत बना रहे हो, मुझे और अच्छा बना रहे हो, बुरा बना रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मेरा काम नहीं है। yes, sir, मेरा काम है मैं कितना प्योर इमोशन को दे सकूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन अप्रोच, इसमें कभी फर्क नहीं आएगा। और सर वो हमारा प्रोफेशन है। बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब आपके हिसाब से अगर हम कहें तो टेक्नोलॉजी बदली है, बट है ना सर, प्लेटफॉर्म बदले हैं। बिल्कुल सर, प्लेटफॉर्म सही बात है सर। आप लोग के टाइम में शायद सर फोटो स्टेट करवा के निकलवा के लोग जगह जगह कास्टिंग्स में देते भी नहीं होता था, फोटोग्राफर के पास जाके प्रिंट निकलवाने पड़ते थे। मैं शूटिंग पे जाता था, मेरे पास 35mm कैमरा था, तो वो कैमरे में मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करके टुकड़े डलवाता था उसमें, जिससे मेरी स्टिल्स हो जाती थी और उनके मूवी कैमरे से थोड़ा सा पीस लेके। तो हमारे वक्त में ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले तो कैमरे भी नहीं थे, बिल्कुल फोन भी नहीं थे, कैमरे भी कुछ भी नहीं था, एसीज नहीं थे। मुझे याद है पहला एसी स्टूडियो बना था सेठ स्टूडियो, अंधेरी वेस्ट में, अंधेरी ईस्ट में हाईवे के पास। तो पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया था कि अरे एयर कंडीशन स्टूडियो बना है, उसके मेकअप रूम 5-star होटल की तरह। सही बात है सर। तो पता लगा उसकी बुकिंग पे बुकिंग हो रही है, क्योंकि एवरीबॉडी वांटेड। उसके बाद हर स्टूडियो एयर कंडीशन हो गया। सही बात है सर। अब ये होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो पता लगता है एसी काम नहीं कर रहा, तो परेशानी हो जाती है। सही बात है सर। तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली है, प्लेटफॉर्म्स बदले हैं, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन अप्रोच नहीं बदली। सर एक चीज और है, लोग ऐसा मेरे सुनने में आया है, या मैं शायद राइट भी हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, सर क्या ये सही है कि पहले 9 रस थे, अब कुछ 11 हुए हैं, कुछ एक्सपेंड हुए हैं, 32 रस और ऐसा कुछ? फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ है ये, फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 रस थे, हमारे शास्त्रों ने जो एक बार बता दिया वो इटर्नल ट्रुथ है, वो गलत नहीं है, और कोई इजाफा नहीं हुआ। ये फेक कंपनी है पूरी जो बोल रही है, मतलब नाट्य शास्त्र जो ऋषि मुनि का है वो लाइक वही सत्य है, वही सत्य है ना सर, अल्टीमेट भी है। हाँ सर बिल्कुल सर, उसमें एक एक इमोशन से एक एक चीजों के सर इतना ज्यादा सर कोलैबोरेट किया हुआ है उन्होंने, एक एक एटीट्यूड, एक एक संवेदना को उन्होंने इस तरीके से उतारा है उस किताब में। वाकई सर बड़ी काबिले तारीफ है उस किताब की सर। यस यस। और सर अभी जनरली सुनने में आया कि भक्ति रस और वत्सल्य कुछ करके 2 रस ऐसे एक्सपेंड हुए, कुछ नहीं मतलब ये इट जस्ट अ र्यूमर एंड ऑल, कुछ नहीं, 9 रस है और 9 ही रहेंगे, और 9 रसों में सारे रस इन्वॉल्व है। यस सर। जो भी इमोशन, ह्यूमन इमोशन है या इस धरती की इमोशन है, वो इन 9 रसों का ही है, कहीं ना कहीं पार्ट 9 रसों का ही है। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर एक सेकंड बस। तो सर आई थिंक दैट दिस इज एनफ, बिकॉज हो गया सर का हाथ भी दर्द कर रहा होगा, आई थिंक सो। कुछ इम्पोर्टेंट है तो पूछ लो। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। चलो लास्ट भी देख लेते हैं। आपका गुरु मंत्र क्या होगा, अगर आप एक एक्टर्स को बोलना चाहेंगे कि बेटा अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो
लाइक क्या एक्टर्स को आपकी तरफ से गुरु मंत्र क्या होगा? मेरा एक ही गुरु मंत्र है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, और जो सच है सही है, अगर फॉलो करें तो फायदा दे सकता है, और वो है कि जब भी आप एक्टिंग के लिए कोई चीज सुनते हो या कोई काम आता है तो उसे ध्यान से सुनो, समझो, समझोगे तो महसूस करोगे, बिल्कुल सर, और महसूस करोगे तो रिएक्ट करोगे, बिल्कुल सर, ये चार चीजें हैं, ध्यान से सुनो, सुनोगे तो समझो, समझोगे तो महसूस करोगे, और महसूस करोगे तो करेक्ट रिएक्ट करोगे, जो दिल से निकलेगा दिलों को टच करेगा। यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। एंड सर मैं एक और गुजारिश चाहूँगा सर, एक छोटा सा स्टूडियो है हमारा भी, और मैं चाहूँगा कि आफ्टर द लॉकडाउन आप कुछ प्लान करें सर हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा समय निकाल के। क्या करने का? सफाई करने का? अरे सर वर्कशॉप सर, आपसे सर एक्टिंग की बात कहना तो सर एक वो होगा ना, आपकी शान में गुस्ताखी होगी कि हम आपसे बोले आप एक्टिंग सिखा दी सर, एक आपका अगर थोड़ा सा भी समय मिल जाएगा ना वहाँ पे सर। जरूर बेटा जरूर, एनी टाइम शिवांशु के साथ बात कर लेना, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग एक हितेन सर को भी मैं चाहता हूँ, उनको भी मैंने अभी बालाजी में देखा था सर, तो जरूर जरूर डेफिनेटली लेके आऊंगा, और वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और हो सके तो मुझे ये इंटरव्यू जरूर भेजना। अरे सर शिवांशु तेरी ड्यूटी है। डन सर, डन 100% सर। थैंक यू सर। चलेगा। ओके। ऑल द बेस्ट। सर चैनल्स पर। बाय सर। बाय।